हेलो एवरीवन, तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हरे मटर और पनीर से एक बहुत ही गजब का नया नाश्ता। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बिना तेल के मैंने ये रेसिपी बनाई है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मटर लिए हैं, साथ में लिए हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और कुछ अदरक के टुकड़े। तो इन सभी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सी के जार में और साथ ही में डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब जीरा और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मटर का पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। सभी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं और पेस्ट एकदम बहुत ही स्मूथ बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें डालेंगे एक कप के करीब सूजी और साथ ही में डालेंगे तीन बड़ा चम्मच के करीब फ्रेश दही। दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मटर का पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था। तो अभी मैंने चार चम्मच के करीब मटर का पेस्ट डाला है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो इसमें अपने स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच के करीब यहाँ पे अजवाइन। तो इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब जो बाकी मटर का पेस्ट बचा हुआ है उसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है दोस्तों, तो इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी हमारी फूल जाए। तब तक बना लेते हैं हम इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है सिर्फ एक चम्मच के करीब तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को एकदम चॉप्ड करके यूज़ किया है। ये मैंने चॉपर से सारी सब्जियों को चॉप किया है, आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है सबसे पहले एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बढ़िया से चॉप करके यूज़ किया है। इसको डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं। एक मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है। साथ ही में आधा चम्मच के करीब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है शिमला मिर्च डालने की। तो शिमला मिर्च को भी मैंने चॉपर से बढ़िया से चॉप कर लिया था, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो अब बारी आती है इसमें कुछ हरी मिर्च और चॉप किया हुआ गाजर डालने की। तो इन सबको डाल के अच्छे से भून लेते हैं हम। सब्जियां हमारी अच्छे से भुन गई है, तो अब बारी आती है कुछ मसाले डालने की। सबसे पहले डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, साथ ही में आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी डालेंगे और साथ में डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरे का पाउडर। यहाँ पे हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब बारी आती है इसमें पनीर डालने की। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब एकदम फ्रेश पनीर का इस्तेमाल किया है। इसे डाल के हम अच्छे से मसालों के साथ मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पनीर की स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमारी ये पनीर की फिलिंग एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इस मिक्सचर को हम एक बार अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमें इसकी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनानी है। तो यहाँ पे स्टफिंग का बड़ा सा पोर्शन लेके इसे हाथों से बढ़िया से गोल करके हम इस तरह से इसे फ्लैट दबा देंगे और ये टिक्की हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी टिक्कियों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चार टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब चलिए अपने सूजी के मिक्सर को चेक कर लेते हैं। तो सूजी हमारी बढ़िया से फूल गई है, मिक्सर हमारा बहुत ही गाढ़ा है। तो इसे पतला करने के लिए मैंने आधा ग्लास के करीब पानी डाला है और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एक स्मूथ बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने ये सूजी के बैटर का आधा भाग ही इस्तेमाल किया है और आधे भाग को हम निकाल के साइड कर देते हैं। यहाँ पे सूजी के बैटर का आधा भाग ही मैंने इस्तेमाल किया है, तो बाकी बचे भाग को हम निकाल देंगे कटोरी में और इसे बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे भाग को निकाल दिया है और बाकी बचे भाग में हम डाल देंगे एक पैकेट के करीब इनो। इनो डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इसे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी कटोरियों का इस्तेमाल किया है। आप इसे इडली के बर्तन में भी स्टीम कर सकते हैं। तो कटोरियों को मैंने बढ़िया से तेल लगा के ग्रीस कर लिया है और सभी कटोरी में हम दो बड़े चम्मच के करीब इस सूजी के मिक्सचर को डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे और इसे हम एक बार टैप कर देंगे। सारी कटोरियों में हमने ये मिक्सचर डाल दिया है। अब बारी आती है अपनी पनीर की वो टिक्कियाँ डालने की जो हमने बना के तैयार की थी। तो इसी तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से हम इस टिक्की को इसके अंदर डाल देंगे। सारी टिक्कियों को डालने के बाद इसे कवर कर देंगे हम अपने सूजी के मिक्सचर से।
एकदम अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर से ना दिखे। तो यहाँ पे हमारी कटोरिया बिल्कुल तैयार है अब स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इसमें डाला है मैंने एक गिलास पानी और इस पर स्टैंड लगा के अच्छे से पानी को गर्म होने के बाद ये सारी कटोरियाँ मैंने डाल दी है और तेज़ आँच पर हम इसे ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे तेज़ आँच पर हम इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से स्टीम करेंगे। 12 मिनट के बाद हम एक बार चेक करेंगे और हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गया है। तो चलिए सारी कटोरियों को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी कटोरियों को निकाल दिया है, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसके बाद इसे कट करेंगे। ठंडा होने के बाद इसने अपने आप ही किनारे छोड़ दिए हैं, तो हल्का से इसे हाथों से इस तरह से दबा के बाहर कर लेते हैं और बस हम इसे कटोरी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली ये कटोरी से बाहर निकल गया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से बाकी सबको भी हम कटोरी से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी को हमने कटोरी से बाहर निकाल दिया है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टीम हुआ है। तो चलिए अब इसे बारी आती है कट करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से भी कितना कमाल का लग रहा है, खाने में बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। आप इसे इस तरह से भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा तड़का देने के लिए यहाँ पर आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसका फटाफट से तड़का बना के भी तैयार करके आपको दिखा देते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में एक चम्मच के करीब तेल लिया है, साथ ही में डालेंगे एक चम्मच के करीब सरसों और थोड़े से यहाँ पे तिल डाले हैं। लगभग एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे तिल का इस्तेमाल किया है और साथ ही में कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं। इनको अच्छे से हम भून लेते हैं और पूरे पैन में हम चारों तरफ इसे फैला लेते हैं। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ये बनाया हुआ अपने मटर और पनीर का टेस्टी नाश्ता और इसे अच्छे से तिल के साथ हम कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से ये अच्छे से सिक गया है, इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे गर्मा गर्म मटर और पनीर का एकदम नया नाश्ता। ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।